आज राजू अपनी छोटी बहन को लूडो खेलना सिखा रहा है। वहीं पास में बैठ राजू के माता पिता चाय पी रहे हैं। तभी घंटी बजी। राजू तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ जाते हुए सोफे से टकरा गया। अरे देख के राजू, आप कौन हैं? मेरा नाम विशेष है, मैं तुम्हारी माँ के दूर का भाई हूँ। अरे विशेष, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ, जरा ध्यान से अंदर आओ। दीदी मैं संभाल लूंगा। विशेष, तुमसे इतने समय बाद मिलकर खुशी हुई। राजू ये है तुम्हारे विशेष अंकल। नमस्ते अंकल, ये आप छड़ी से क्या कर रहे थे? राजू बेटा, बचपन से ही मुझे दिखाई नहीं देता। क्या? हाँ राजू, ये छड़ी मेरी मदद करती है समझने के लिए कि आसपास क्या है, आगे का रास्ता साफ है या नहीं, ताकि मैं सब चीजों से टकराता ना चलूं। हमारा राजू तो भरी रोशनी में भी चीजों से टकराता चलता है विशेष। दीदी इतने समय तक दुनिया को बिना आंखों के देखते देखते मेरी और इंद्रियां तेज हो गई हैं। मैं चीजों को और लोगों को छूकर या सूंघकर या आवाज से भी पहचान लेता हूँ। मैंने इस बात पर ध्यान दिया अंकल, जब मैं बोलता हूँ तो आप मेरी और मुंह कर लेते हैं, और जब मम्मी बोलती है तो आपकी शक्ल उनकी तरफ घूम जाती है। आप हमारी आवाज सुनकर ही तो ऐसा कर पा रहे हैं। सही पहचाना राजू। और हाँ, छूकर या सूंघकर चीजों को पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं, पर जब हम देख पाते हैं तो और इंद्रियों का प्रयोग कुछ कम कर देते हैं। चलो